नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ऑटो गैलेक्सी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे नई वीडियो में तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह वीडियो जो है वो हमारा ऑटोमोबाइल स्पेशल सीरीज का स्पेशल एडिशन वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार इंजन के कितने पार्ट्स होते हैं। तो आप लोगों के भी मन में ये तो आया ही होगा कि आखिरकार इंजन जो हमारा बना हुआ होता है वो कितने पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है। तो देखिए, जो इंजन होता है वह मेनली बना तो बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर के बना हुआ होता है, लेकिन उसमें से जो मेन पार्ट्स होते हैं जिनके बिना हम उसे इंजन बोल ही नहीं सकते हैं, हम उन पार्ट्स के बारे में आज आपको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर हम बात कर लें आप इंजन के पार्ट्स के बारे में, वो मेनली होते हैं 9 प्रकार के। 9 प्रकार के जो हमारे पार्ट्स होते हैं उनसे मिल करके हमारा इंजन बनता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, ये 9 पार्ट्स लिए हैं जिनके बिना आप किसी भी तरीके से इंजन नहीं बना सकते। तो इसमें जो पहला नंबर है वो है हमारा सिलेंडर ब्लॉक, सेकंड है हमारा पिस्टन एंड पिस्टन रिंग, थर्ड कनेक्टिंग रॉड, फोर्थ क्रैंकशाफ्ट, फिफ्थ क्रैंक केस, सिक्स कैमशाफ्ट, सेवन वॉल्व, एट एंड नाइन कूलिंग वाटर जैकेट एंड सिलेंडर हेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेंडर ब्लॉक के बारे में। तो देखिए, जो यह सिलेंडर ब्लॉक होता है यह ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। यह सिलेंडर हेड के नीचे रहता है। इसके अंदर पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट आदि होते हैं। इसके अंदर लाइनर भी होते हैं। तो ये तो रहा हमारा सिलेंडर ब्लॉक, जिसके अंदर इतने प्रकार की चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। आगे आते हैं और बात करते हैं पिस्टन एंड पिस्टन रिंग के बारे में। यह कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा या फिर एल्युमिनियम एलॉय के बने हुए होते हैं। पिस्टन पर 4 स्लॉट कटे हुए रहते हैं। इनमें पिस्टन रिंग लगी होती है, 3 स्लॉट में कंप्रेसर रिंग लगी होती है, 4th स्लॉट आयल रिंग होती है। जब हम पिस्टन के लाइनर को डालते हैं तो पिस्टन की कंप्रेसर रिंग यानी कि पिस्टन रिंग लाइनर से जुड़ी हुई रहती है। ऑयल रिंग व कंप्रेसर रिंग हाई प्रेशर गैस यानी कि उच्च दबाव वाली गैस को क्रैंक केस में जाने से रोकती है। तो ये तो रही हमारी जानकारी पिस्टन और पिस्टन रिंग के बारे में। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कनेक्टिंग रॉड के बारे में। आखिरकार कनेक्टिंग रॉड होता क्या है और हमारे इंजन में किस तरीके से मुख्यता प्रदान करता है। तो कनेक्टिंग रॉड यह क्रैंकशाफ्ट को पिस्टन से जोड़ती है, मतलब कि पिस्टन से मिली पावर को क्रैंकशाफ्ट को ट्रांसफ़र करती है। और कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा पिस्टन से जुड़ा हुआ होता है और बड़ा सिरा क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है। तो यह हमारा कनेक्टिंग रॉड का काम होता है। अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं क्रैंकशाफ्ट के बारे में। ध्यान रखिएगा, क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट दोनों अलग अलग हैं, तो इस वजह से कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम बात करने जा रहे हैं क्रैंकशाफ्ट के बारे में। तो देखिए, क्रैंकशाफ्ट कनेक्टिंग रॉड के एक सिरे से जुड़ी हुई होती है और कनेक्टिंग रॉड का दूसरा सिरा पिस्टन से जुड़ा हुआ होता है। तो क्रैंकशाफ्ट में पिन, वेव, ब्लेसिंग लोड, मेन बियरिंग होते हैं और क्रैंक केस में जो बियरिंग होती है यह क्रैंकशाफ्ट को सपोर्ट करता है। और क्रैंकशाफ्ट के अगले सिरे पर नट, फैन बेल्ट पुली, वाइब्रेशन डैम्पर लगा होता है और क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर फ्लाई व्हील यानी कि गतिचालक चक्र लगा हुआ होता है। तो ये तो रही हमारी क्रैंकशाफ्ट के बारे में जानकारी। आगे आते हैं और अब आपको बताते हैं कि क्रैंक केस में क्या क्या होता है। तो सिलेंडर ब्लॉक के निचले भाग को हम लोग क्रैंक केस कहते हैं। यह कैमशाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट के हाउसिंग का काम करता है। यह कास्ट आयरन या फिर ढलवा लोहा या फिर एल्युमिनियम का बना हुआ होता है। तो ये तो रहा क्रैंक केस के बारे में। आगे आते हैं और बताते हैं आपको कैमशाफ्ट के बारे में। कैमशाफ्ट का कार्य वॉल्व को बंद करना और खोलना होता है। कैमशाफ्ट पर केम लोब बने होते हैं
प्रत्येक सिलेंडर के लिए कैमशाफ्ट के ऊपर दो कैम लोब बने होते हैं, इनलेट वाल्व और दूसरा आउटलेट वाल्व के लिए बने होते हैं। कैमशाफ्ट के अगले सिरे पर गियर होते हैं और कैमशाफ्ट में भी गियर्स लगे होते हैं जो कि कैमशाफ्ट के गियर से जुड़े हुए होते हैं, और कैमशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट से गति मिलती है। तो क्रैंकशाफ्ट में गियरिंग कम होते हैं बल्कि कैमशाफ्ट में दो गुने गियर्स होते हैं। जैसे कि आपने अभी जाना कि इनलेट और आउटलेट के बारे में, तो इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व, तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वॉल्व के बारे में। तो वॉल्व इंजन में बने पोर्ट को खोलना और बंद करने का कार्य करता है। इसका उपयोग आईसी मतलब इंटरनल कंबसन इंजन में किया जाता है। इस वॉल्व की सेटिंग 30 डिग्री से 40 डिग्री एंगल पर टैपर रहती है। प्रत्येक सिलेंडर के हेड में दो वॉल्व लगे होते हैं, जो पहली होती है वो इनलेट वॉल्व होती है और दूसरी होती है हमारी आउटलेट वॉल्व। इंजन के वाटर जैकेट इसलिए होते हैं क्योंकि इंजन का तापमान बहुत ही उच्च रहता है, तो यह वाटर जैकेट ठंडा करते हैं और इंजन के अंदर का तापमान 1600 डिग्री से 2800 डिग्री तक रहता है। अगर इंजन को ठंडा नहीं करेंगे तो इंजन सीज हो जाएगा और ब्लॉक की दीवारों में होल या छेद या फिर छिद्र होते हैं जिनसे पानी भरा हुआ होता है। इसमें वाटर पंप की सहायता से सिलेंडर के चारों ओर लगी वाटर जैकेट से इंजन के चारों ओर पानी घूमता है। जब पानी गर्म होता है तो पानी रेडिएटर में जाकर के ठंडा हो जाता है और यह प्रोसेस चलता रहता है। मैं हूं योगी योगेंद्र और आप देख रहे हैं ऑटो गैलेक्सी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आगे आते हैं और अब बात कर लेते हैं सिलेंडर हेड के बारे में। तो यह ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन का बना हुआ होता है और यह सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर रहता है। इसमें रॉकर आर्म, वॉल्व और गैस्केट, एग्जस्ट मैनिफोल्ड आदि लगे होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह जो 9 पार्ट्स हैं उनके बारे में अच्छे से जानकारी पता हो गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप नए हैं और मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल से जानकारी चाहते हैं, यही एकमात्र चैनल है जहां पर आपको हिंदी में विधिवत जानकारी दी जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिएगा।